कटेजा की निकली तलवार अपने बल्ले से मचाया हाहाकार। अश्विन के साथ रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप बना बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिखा दिए दिन में तारे। तो रविंद्र जडेजा की दमदार पारी अश्विन के चमत्कार को तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले, लेकिन उससे पहले यदि आप भी अश्विन और जडेजा के फैन है तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपने होम ग्राउंड चेन्नई के चेपाक क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर रविंद्र जडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा दिया। छठे नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे जडेजा टीम इंडिया के लिए दमदार अर्धशतकीय पारी खेली। बांग्लादेश के खिलाफ टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद टीम इंडिया की बल्लेबाजी कुछ खास रही और खासतौर से टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराश किया। यशस्वी जायसवाल को छोड़कर किसी ने भी क्रीज पर रुकने की कोशिश नहीं की। यशस्वी ने टीम इंडिया के लिए जरूर 52 रन बनाए, लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके। इसमें शुभमन गिल तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। ऐसे में 144 रनों पर 6 विकेट गिरने के बाद रविंद्र जडेजा मैदान पर आए थे। इस खिलाड़ी पर हमेशा की तरह टीम इंडिया का संकट मोचन बनने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। एक तरफ बांग्लादेशी गेंदबाजों का गुरूर आसमान छू रहा था तो दूसरी तरफ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीदें जडेजा पर टिकी हुई थी। लेकिन आज बांग्लादेश का घमंड भी टूटा है और टीम इंडिया ने रविंद्र जडेजा के दम पर बांग्लादेश को सबक भी सिखाया। जी हाँ, आपको बता दें, जडेजा ने 73 गेंद अपना अर्धशतक पूरा किया। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का भी लगाया। 50 लगाने के साथ ही रविंद्र जडेजा के चेपाक के मैदान पर सिग्नेचर स्टाइल भी उनका देखने को मिला, जिसमें उन्होंने अपने बैट से तलवारबाजी कर अपने अर्धशतक का जश्न मनाया। जडेजा ने टीम इंडिया के लिए उस समय पारी को संभाला, वो बांग्लादेशी गेंदबाज पूरी तरह से हावी थे। हालांकि जडेजा को रविचंद्रन अश्विन का बेहतरीन साथ मिला। दूसरे छोर से अश्विन ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की, इससे जडेजा को क्रीज पर सेट होने का मौका मिल गया। एक बार जब जडेजा ने अपनी आंखें जमा ली तो फिर बांग्लादेशी गेंदबाजों को दिन में तारे नजर आने लगे। इस तरह जडेजा ने अश्विन के साथ मिलकर टीम इंडिया के लिए 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी कर स्कोर को 300 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन इतने में ही उनका बल्ला कहां रुकने वाला था। उन्होंने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से आज तो बांग्लादेशी गेंदबाजों का करियर ही तबाह करने का मन बनाया हुआ था। खास तौर पर एक एक तरफ से जहां अश्विन बांग्लादेश के लिए यमराज बने हुए थे, इस खिलाड़ी ने शतक जड़कर पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया, तो रविंद्र जडेजा ने भी एक तरफ से इनसेन वॉरियर की तरह एक के बाद एक छक्के की बारिश करते हुए 10 चौके और 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 86 रनों की नाबाद पारी खेलकर उन्होंने टीम इंडिया को 339 रनों तक पहुंचा दिया था। रविचंद्रन अश्विन के साथ 195 रनों की नाबाद पार्टनरशिप को अंजाम दिया और उनकी आंधी के आगे बांग्लादेश की टीम तो सूखे पत्तों की तरह उड़ गई। इसी दरमियान जडेजा ने ऐसे ऐसे छक्के बरसाए थे जिसे देखकर तो खुद गौतम गंभीर भी दंग रह गए थे। उनके दम पर ही टीम इंडिया ने अब इस मैच में जोरदार वापसी कर ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जडेजा और अश्विन की दमदार बल्लेबाजी? आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।